पढ़ दे, नमाज पढ़ कर दिखा दे क्या। ए ये देखो नमाज पढ़ दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ना हम लोग बिंदाउत पे आए हैं ना, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरे से होंगे। तो अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पे, तो ज़ियारत करते हैं और साथ में थोड़ी शॉपिंग भी करनी है आमना ने और मैंने भी। तो बस फिर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। बाहर जाके ना पहले टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, टैक्सी लेते हैं। और आमना ने क्या क्या लेना है? मैंने जो लेना है वो वहाँ पे। तो बस क्या ना रास्ते में शॉपिंग मॉल भी आने हैं एक दो, तो मैंने कहा था चलो वहाँ पे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो मम्मी भी साथ होंगी और ज्यारतें भी करेंगे, मेरा दिलवर जाने भी पापा के साथ होगा। चलो फिर चलते हैं। अब जो है ना ज्यारतों के लिए निकल चुके हैं, चलते हैं वहाँ पे। तो पहले कहाँ पे जा रहे हैं? सावा मस्जिद पे जा रहे हैं। सावा मस्जिद पे, तो वहाँ पे चलते हैं पहले। देखो भाई ये टूट गया। ये कौन सी है? सावा मस्जिद। इधर मस्जिद था माँ फातिमा का। अच्छा, इधर घर था, ये टूट गया, ये पूरा टूट गया। अच्छा, ये नया करके बना रहा, देखो आदमी नहीं है इधर आदमी, फिर भी आप बोला है ना इसलिए हम लेके आए। वो ऊपर मस्जिद है, वो ऊपर सात मस्जिद है, इसको खंदक भी बोलता है। गजा खंदक। हाँ, तो गजा खंदक के मुकाम पे आए हैं अभी। ये सावा मस्जिद, ये मस्जिद फाता है। कौन सी वाली है? वो वाला। हाँ, ये मस्जिद फाता है, ये मस्जिद सुलेमान अंसारी कहते हैं। हाँ। अच्छा, सुलेमान अंसारी। हाँ, वो लिखा हुआ खंदक जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर देता था ना इधर से। हाँ, ये बंदा देता था। अच्छा, मस्जिद ही है, हजरत अली का मस्जिद है इधर, हजरत अबू बकर का है, सुलेमान अंसारी का है, हजरत उस्मान का है, इधर सात मस्जिद। अच्छा, इधर सात मस्जिद है, पहाड़ की दूसरी साइड पे। इसको खंदक भी बोलता है। हाँ, दूसरी तरफ नहीं है ये, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ये छोटा छोटा ये जो है ना ये मस्जिद। अच्छा 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 अच्छा, ये मस्जिद नसन के, ये मस्जिद, ये मस्जिद, ये मस्जिद, वो पीछे मस्जिद। ये आपको ये मस्जिद, इसको फाता भी बोलते हैं मस्जिद। मस्जिद फातिहा, इसमें दुआ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गया था लड़ाई करने के लिए। अच्छा अच्छा, वो कामयाब होकर लौटे थे। इसको इसको मस्जिद फाता भी फाते भी बोलते। तो ये सारा जो है ना ओहद का पहाड़ है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो ये यहाँ पे जो है ना ये कब्रिस्तान है और ये लेफ्ट साइड पे ओहद का पहाड़ है। कौन सा? ये लेफ्ट साइड पे, इधर ये पहाड़ है, लोग ऊपर जा रहे हैं। ये दुआ मांगने के। हाँ, दुआ मांगी जाती है। हाँ, यहाँ पे दुआ मांगी जाती है। तो ये जो है ना कब्रिस्तान है ये ना। हाँ, तो ये जो है ना आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं ज़ियारत कब्रिस्तान। तो अम्मी कह रही है कि अब ना काफ़ी चेंज हो गया हुआ है यहाँ पे, पहले इस तरह नहीं था, अब ना चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। तो बस अब चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है ना आपका भाई किसी मॉल में आया, क्या नाम क्या है इस मॉल का? नूर मॉल। नूर मॉल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मॉल है यार। तो बस हमने जल्दी जल्दी से चीज़ लेनी है और निकलना है यहाँ से ना, क्योंकि अगली ज़ियारतें भी करनी है। इतना बड़ा नहीं है लेकिन। बड़ा है। अच्छा, ये आप चक्कर लगा फिर मालूम। ये भाई भी साथ ही हैं। पांच गेट। अच्छा, पांच गेट हैं। हम लोग एक से दूसरे। तो ये सारे अरेबिक सऊदी ब्रांड है सारे, रिफेस शो रूबी रोज। देखो देखो भाई, 70% ऑफर लगा है, 75% ना। हाँ, फिर भी जाके देखो, गला काट दो। फिर भी गला काट देंगे। वो कह रहा जी सेल, ये हर जगह ऐसे ही होता है, मतलब कहना सेलें लगा के तो करते रहते हैं, सेल लगी होती है और करते रहते हैं।
गला काट देते हैं। ये क्या है, गियोर्डानो, ये भी इनका अपना ब्रांड है कोई। तो ये देखो ना रेड टैग, ये बच्चों का है। तो ये ना काफ़ी बड़ा माशाल्लाह मॉल है, डियोर भी है, सारे हैं यहाँ पे। तो बस जो लेना था ना हमने वो ले लिया, तो बस अब निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दो नफल पढ़ने होते हैं। क्या नाम था इस मस्जिद का? किबलतीन। किबलतीन, तो यहाँ से किबले का दो किबला, किबलतीन का मतलब है दो किबला। इधर से फरमान हुआ मक्का पे अभी किबला है, इधर से फरमान हुआ था ऊपर है दिन नमाज। तो ये मस्जिद का नाम है मस्जिद किबलतीन। तो यहाँ से फरमान हुआ था कि किबला किस तरफ है। और ये देखो मैं अपने बाबे के साथ हूँ, आई इधर देख, आई इधर देख, इधर चौथा आइए। तो मेरे साथ ले आए, अपने साथ अब ले आए इसको। तो बस अब जो है ना हम यहाँ पे मैं नफल अदा करता हूँ और फिर निकलते हैं। और आमना वगैरह वो लेडीज सेक्शन की तरफ है, अम्मी और आमना, वो वहाँ से पढ़ेंगे फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बाबा जो है ना सिर्फ मामा को तंग करता है, मुझे तंग नहीं करता, वो देखो हंस रहा है, मुझे तंग नहीं करता। ये मुझे आराम से बैठी रही है, मैं नमाज पढ़ता रहा हूँ, आराम से मेरे पास बैठी रही है। तो मामा को बहुत तंग करता है ये। अब इसको अपने पास रखा करूँगा मैं ना नमाज के वक्त ना, छोटा सा है अभी वो देख रहा है, लेकिन वो ज़्यादा रश में ना परेशान हो जाती है वो। अब चल रही है ये ज़्यारत भी हो गई। तो ये गुंबद, तो यहाँ से नीचे जाना है। कौन सी मस्जिद है ये? ये मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा पहला मस्जिद है इस्लाम में जो है, मस्जिद कुबा ये पहला मस्जिद। जिधर रोजा है उधर तो घर था, मस्जिद ये था, इसने नमाज पढ़ा था। अब जो है ना हम लोग एंटर होने लगे हैं मस्जिद कुबा में। तो यहाँ पे ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना पैदल आके नमाज पढ़ा करते थे हरम से। ये वो वाली मस्जिद है और धूप बहुत तेज है और रश भी बहुत ज्यादा लग रहा है। इसका और है? पता नहीं, तो ये चलते हैं। हाँ तो ये देखें, ये एंट्रेंस है मस्जिद की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो पेंट हो रहा है सुभान अल्लाह। तो ये इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है लेफ्ट साइड पे, लेडीज का वो है वो आगे पढ़, और मैं अपने बाबे के साथ ऊपर जाऊंगा नमाज पढ़ने, अपने बाबे के साथ वहाँ पढ़ूंगा। छोटा सा मेरा बाबा, छोटा सा तो है ये मेरा बच्चा, हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। ये देखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे मस्जिद में इस वाले। उधर बहुत ठंडा ज़बरदस्त। तो हम भी ना साइड पे आयत को रख के ना तो नमाज पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। बाबा के साथ ना मस्जिद में बड़ा खुश होता है ये छोटा सा, तो ये ना मेरे साथ नमाज पढ़ने आया करेगी, जो इसी बली हो जाए ना छोटा के साथ ना नमाज पढ़ने आया करेगा मस्जिद में। बिल्कुल बिहेव करता है, मम्मा को तंग करता है, पापा को बिल्कुल तंग नहीं करता, ये छोटा सा है, ये देखना बारा बोल लग रहा है, छोटा सा है मेरा बच्चा। ठीक है दुआ मांग दे, नमाज पढ़ दे, नमाज पढ़ दे, ऐसे नमाज पढ़ के दिखा दे सबको, नमाज पढ़ दे, नमाज पढ़ के दिखा दे। क्या ये देखो नमाज पढ़ दी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सुभान अल्लाह या अल्लाह, नमाज पढ़ दी मेरे बाबे ने, ये देखो नमाज पढ़ता है, इतना प्यार है ये। यहाँ पे ना जमजम भी है, तो जमजम पी लेते हैं, जमजम पीते हैं। बच्चा जो भी देखता है ना वो वही करता है, देखो ना आयत सबको देखती है ना नमाज पढ़ते हुए, तो खुद भी सजदा करती है, पारा में भी है सबसे, तो जमजम पीते हैं। ये ना मम्मा को तंग करती है, पापा को तंग नहीं करती, ये पापा गर्ल है, पापा का बच्चा है, ये पापा का बेबी है छोटा सा,
ये सब बिहेव करती है, कोई तंग नहीं करती, बस हम चलते हैं। तो हाँ ना फिर माहौल पढ़ लिए, तो मेरे बाबा भी जो है ना सजदा करके आया तो पा रहा है, पापा के साथ उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। मम्मा को तंग करता है, पापा को तंग नहीं करता, ये डरता है। पापा डरता नहीं है, पापा ने फर्स्ट टाइम इसको डांटा है, उस दिन पापा सो रहा था तो ये तंग कर रहा था, देखो हाथ रही है, उसको पता है कि पापा ने इसको डांटा है। डांटा था मैंने, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने इसको थोड़ा सा डांटा था, मैं सो रहा था तो मुझे सोने नहीं दे रही थी ये, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था। तो बाला जाना, मेरा बच्चा है छोटा सा। चलो फिर अब चलते हैं, बस नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। ज्यारतें हो गई हैं, अब कुछ ले लेते हैं, शॉपिंग करनी है आना करनी। ये देखो बाला भी जाना, उसने भी शॉपिंग करनी। तो ये ना हम लोग बिन दाऊद पे आए हैं ना, तो कितना बड़ा है यार ये भी, बहुत बड़ा है। अन्ना ने अपनी थोड़ी ना किचन के लिए शॉपिंग करनी थी तो वो कर लिया उसने यार। कॉफी मेकर मैंने ले लिया था, मेरा था छोटा सा ना कॉफी मेकर हो मेरे पास। अच्छा, तो पाकिस्तान में ढूंढता रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था कहीं से, तो बस अब ले लिया वो आपके भाई ने, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है। तो बस अब जो है ना असर की नमाज का टाइम भी हो गया, असर की नमाज पढ़नी है। वो देखें, ये देखो ये आयत की बेबी सीट पड़ी हुई है, सेम यही है हमारे पास भी, बिल्कुल सेम टू सेम है, वो भी लगी हुई है, वो ये बिल्कुल सेम टू सेम आयत की है हाइड्रोलिक। तो बस आप जो है ना असर की नमाज पढ़ते हैं और होटल में चलते हैं। हाँ अभी तो स्टार्ट हुई है, हमने पता नहीं की लेना है, मेकअप तो पता नहीं क्या क्या इसने शॉपिंग करनी है, बस आप चलते हैं। तो ज्यारतें करके ना वापस आए हैं ना, तो अब जो है ना भूख लगी हुई है, खाना लेने चलते हैं, क्योंकि अम्मी कह रही है उन्होंने लाइट सा खाना है पाकिस्तानी, दूसरा वो कहती हैं कि नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कल भी वहीं से खाया था, आज भी वहीं पे चलते हैं। तो बस जा रहे हैं। तो इस रेस्टोरेंट से आपका भाई खाता है, बहुत मज़े का रेस्टोरेंट है यार। ये खाना हमने ले लिया है, और ताज़ा रोटी होती है इनकी, तो मक्के में ताज़ा रोटी नहीं होती थी यार, बासी रोटी भी वहाँ पर लोग देते हैं। तो बस आप चलते हैं, खाते हैं, भूख बहुत लगी हुई है, तो बस फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। ये देखें, वो गोरे कहते हैं ना कि नींद आई हो तो गाड़ी उसी टाइम रोक के सो जाओ, भाई को नींद आई हुई थी वो देख लो फुटपाथ पे ही रोक के सो गया जी, देखो जरा वो देखो वो सो गया, गाड़ी वो देख लो क्रॉसिंग के ऊपर ही सो गया गाड़ी पार करके। तो देखे रूल सही फॉलो हो रहा है भाई, ज़बरदस्त। अब जा रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़ने, है हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या क्या करते हैं। और आमना जो है ना रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए गए हैं, और मैंने ना इसको ये जो शरारती बेबी है ना इसको मैंने अपने पास रख लिया पापा के साथ शरारते नहीं करता ये, इसको पता है कि मेरा पापा जो है ना डांटेगा मुझे, ऐसे ही है ना, पापा के साथ बहुत खुशी में रहता है ये चौथा जो है, मैं क्या करूँ इसका, पारा बहुत है, पारा बहुत है, छप छे पारा मेरा बेबी है। और ये देखो इंजॉय कर रहा है पापा के साथ, पापा के साथ तो इंजॉय करता है, उसको पता पापा मेरा जोली है। अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं सबको आपने आज अस्सलाम वालेकुम कर दिया, ऐसे ऐसे अस्सलाम वालेकुम, मुझे नहीं इन सबको अस्सलाम वालेकुम कर दिया, ऐसे 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 करते भले भले करते अच्छे करते अस्सलाम वालेकुम, पापा बहुत अच्छा है तो ऐसे ऐसे करते फिर, और ऐसे ऐसे करते पीछे पापा आप इतने भी अच्छे नहीं हो, चौथा से है मैं क्या करूँ इसका पारा बहुत है। तो अम्मी आमना गई थी उधर ज्यारत करने, तो ये मस्जिद की ज्यारत कर रहे हैं यार, आते हैं कहते हैं हम लोग देखा है सब कोई कर रहे हैं नहीं, तो मैंने हमने तो मस्जिद गए हम, तो मैंने इन्हें अंदर भेजा था, मैंने कहा था चलो ज्यारत करो, जाली वगैरह यहाँ पे कहते नहीं इधर नहीं कुछ है, वो आगे जाना पड़ता, चलो मस्जिद तो देखा है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद देखा है, अब जो है ना चलते हैं, अगर रश कम हो गया अपना, काफी पहले बहुत रश था, तो अपना तो चले आप जो है ना होटल में चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, पहले तो कुछ खाना पीना है। देखो इसको देखो जरा, सबसे गंदा बच्चा, गंदा बेबी है सबसे, जस्ट के पास जाता ना या तो कोई फ्रूट्स वगैरह लाता है या कोई चॉकलेट वगैरह या कैंडी वगैरह लेके ये चीजें लेके आता है ये। तो हाँ ना फिर कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, और अभी तो करनी मंडे को शॉपिंग करनी है आमना ने। और ये देखें दुकानों पर माशाल्लाह कितना रश है यहाँ पे, मंडे को सिर्फ शॉपिंग करनी है और नमाजें पढ़नी है, ठीक है। तो अब केएफसी पे इतना रश है कि मुझे दो घंटे लग जाने हैं, मैंने कहा अभी पहले सुकून से होटल छोड़ देता हूँ, मैं खुद आके वापसी पे ले लूँगा, क्योंकि पानी भर लिया है, जमजम भर लिया हुआ है, तो बाकी कोई टेंशन नहीं है, अगर रात के बाद रेस्ट करना है, थके हुए हैं बहुत। केएफसी आए हैं ना तो बहुत रश लगा हुआ है, हार्डीज पे भी रश नहीं है, लेकिन आमना कहती है केएफसी खाना है उसने, तो केएफसी ले लेते हैं, उसमें क्या है,
तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी डील है। ऑर्डर कर दिया आपके भाई ने, लेकिन बहुत रश है यार, बहुत रश है यार। और मुझे जो है ना आधा घंटा हो गया है यहाँ पे, हाफ एन आवर हो गया आपके भाई को यहाँ पे वेट करते हुए। और अभी 18वां नंबर चल रहा है तो 33 मेरा है। ओ अल्लाह ले, ओ बस कर दे, ओ अल्लाह अल्लाह मैन अल्लाह हबीबी।